लेना मुकेश चौहान। मैं फार्मासिस्ट हूँ। जो पेशेंट आते हैं उनको दवाई देनी, उनको पूरी तरह समझाना, दवाई की एक्सपायरी चेक करनी। जब आपातकाल आता है, महाबीमारी फैलती है, तो डॉक्टर को नहीं फार्मेसी को भी भगवान समझता है। अभी कोरोना में जैसे मैं घर से निकलता था तो कहते थे कहाँ जा रहा, मेरी बिटिया छोटी है अभी, वो कहते पापा तुम मत जाओ, सारी बीमारी फैल जाएंगे। लेकिन उनकी मम्मी ने कहा कि यही सब है लोगों की सेवा करने का। मैं बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता। हम 5 भाई थे, 1 बहन थी। इनका खर्च उठाना मेरे बाप के माँ बाप के बस में नहीं था। 10 रुपये भी शायद हमारा फीस के नहीं, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। उसके बाद मैंने 3 महीने रिक्शा चलाई रेलवे स्टेशन में, लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। यहाँ मेरी बेटी है, अपनी जितनी मेरी परिस्थिति है, जितना पैसा आर्थिक स्थिति जो भी मेरी, मेरा सपना यही रहता कि मैं एक टाइम कम रोटी खा लूँगा, लेकिन उसको अपने सपने पूरे करने के लिए। अगर हम समस्याओं को लेकर गंभीर हो जाएंगे या ऊंचे बारे सोचते रहें, चिंता करते रहें, समस्या को विकराल रूप धारण करते चले जाएंगे। तो ये है कि व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए, चिंता ही करनी चाहिए। मेरा फाइनेंस कंपनी है, ये बहुत ही हेल्पफुल हर व्यक्ति के लिए। जैसे व्यक्ति डॉक्टर को देखकर रोग मुक्त हो जाता है, ऐसी इस कंपनी को देख कर ऐसा लगता है कि बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाए।